a car starts from a point P at a time at time t equal to 0 seconds and stops at point Q. P पॉइंट से उसने चलना शुरू किया एट टाइम जीरो और पॉइंट क्यू पे वो स्टॉप करती है. डिस्टेंस एक्स इन मीटर्स कवर्ड बाय इट इन टी सेकंड्स इज गिवन बाय. अब डिस्टेंस जो है दैट इज गिवन बाय, डिस्टेंस एक्स लिया उन्होंने तो दैट इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टू माइनस टी अपॉन थ्री. So x is equal to t square into two minus t by three. अब t is equal to zero पे जो है that is car was at point P and q point पे वो stop कर रही है. डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज मेजर्ड इन टी सेकंड्स. डिस्टेंस जो है वो सेकंड्स में मेजर किया गया कि डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है वो सेकंड्स में मेजर किया गया. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच पॉइंट क्यू एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. एक तो पी और क्यू का आपको डिस्टेंस निकालना है, सेकेंडली कि उसने कितना टाइम जो है लिया वो आपको कवर अप करना है. करेंगे कि जो उसकी वेलोसिटी है उसको मान लेंगे कि v उसकी वेलोसिटी है कार की एट t सेकंड्स की. जब वो कार मूव कर रही है फ्रॉम द यू कैन से इनिशियल पॉइंट रेस्ट से मूव कर रही है तो सम वेलोसिटी वो अटेन करेगी देन वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो आपने x ले लेना है. अब जो वेलोसिटी है दैट विल बी गिवन बाय x आपको गिवन है. वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय डीएक्स इज इक्वल डीएक्स अपॉन डीटी. आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ आप क्या लेते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लेते हो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इज इट करेक्ट. चलिए अब वी क्या है, दैट इज डीएक्स अपॉन डीटी. x जो है वो हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ t ही गिवन है तो फाइंड आउट dx अपॉन dt. dx अपॉन dt कितना आएगा आपका, ब्रैकेट खोल लो चाहे चाहे तो u इंटू v लगा लो, दैट इज अप टू यू. अब क्या करना है, उसने क्या कहा कि इट स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू. पी पे रेस्ट से चलना शुरू किया इट मींस एट दैट मोमेंट वी इज जीरो. क्यू पे इसने वहां पे स्टॉप की एट दैट मोमेंट आल्सो जो उसका वी था वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई. तो पुट दिस इक्वल टू जीरो, आपके पास टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू फोर. अब टी इक्वल टू जीरो यानी कि ये पॉइंट पी की पोजिशन है, t is equal to 4 will be the position of point q क्योंकि 4 seconds के बाद जो है वो दोबारा से वहां पे रुक गई. अब हमने उसने क्या कहा है, also find the distance traveled in 4 seconds. So distance traveled in 4 seconds के लिए क्या करोगे, distance x है, t को 4 put कर दो तो you will get the distance traveled in 4 seconds. इसको simplify कर लो, you will get your answer. इसमें हमें कुछ मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने को उन्होंने नहीं कहा था तो वी हैवंट डन दैट. v इज इक्वल टू जीरो हमने क्यों पुट किया है, क्योंकि पॉइंट p से चल के पॉइंट q पे भी रुक रही है तो दोनों पॉइंट्स पे जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ मूविंग ऑन टू दिस एग्जांपल नंबर 43. इसमें हमें देखो क्या गिवन है, अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इनवर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट. फिगर गिवन है आपको, इट्स अ सेमी वर्टिकल एंगल इज टैन इनवर्स 0.5. वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर. फाइंड द रेट एट विच द
level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter. इन्वर्टेड कोन आपको गिवन है, उसमें क्या कह रहे हैं कि वाटर पोर कर रहे हैं और वाटर जो है 5 क्यूबिक मीटर पर आर की स्पीड से उसमें डाला जा रहा है. और पानी डालने पे क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो वाटर का जो लेवल है उसमें वो राइज कर रहा है. हमें रेट एट विच द वाटर इज राइजिंग निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि हाइट आप निकाल रहे हो. व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, जब वाटर टैंक की जो है उसकी वाटर टैंक में वाटर की जो डेप्थ है 4 मीटर है, एट दैट मोमेंट यू आर टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट यानी कि dh अपॉन dt जो है वो आपने निकालना है. समझ आया कैसे क्या चीज गिवन है, क्या क्या गिवन है? एक तो एंगल गिवन है हमें, उसका सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है tan इनवर्स 0.5. सेमी वर्टिकल एंगल आपको पता है कहाँ पे बनता है, जो आपका वर्टेक्स पे बनता है. सेमी है तो मीन्स आपने पूरा एंगल ना लेके हाफ ऑफ द एंगल आपने लेना है. ये एंगल अगर आप देखते हो, ये पूरा एंगल आपका जो वर्टेक्स पे बनता है वो वर्टिकल एंगल होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमी वर्टिकल एंगल, तो इट मीन्स हाफ ऑफ दिस आपने लेके चलना है. ये हमें गिवन है टैन इनवर्स 0.5. इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा. लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट. एच जो है वो हम इसमें हाइट मानते हैं जो है, और हाइट किसकी लेके चल रहे हो आप, हाइट किसकी लेके चल रहे हो, कोन की या वाटर की? कोन की लेके चलोगे. अब ये चीजें हमें गिवन है. अब हमें ये पता है, देखो जब हम ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा अल्फा जिसको हम टेंथ में करते थे कि थीटा है. थीटा के ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर. थीटा के जो एडजेसेंट वाली साइड होती है दैट इज द बेस. एंगल किस फॉर्म में गिवन है हमें, टैन की फॉर्म में गिवन है. तो टैन अल्फा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट. परपेंडिकुलर आपका आर है, दिस इज योर एच. टेन अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो दैट इज गिवन टू अस एज 0.5. तो ये हो गया आपका 0.5 इज इक्वल टू आर बाय एच. 5/10 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन एच. और यू कैन से एच जो है दैट इज इक्वल टू 2R, और आर जो है दैट इज एच बाय 2. हमें हाइट निकालनी है तो आर को हम एच की टर्म्स में निकल, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है तो वी हैव रिटन दिस आर इन द फॉर्म ऑफ हाइट. आर इज इक्वल टू 2H आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है उसने हमें कहा कि दिस वॉटर इज पोर्ड इन टू इट एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 5 m³ पर एच पर मीटर पर आर. आप उसमें जो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है दैट इज 5. तो इट मींस हम पहले वॉल्यूम, हाँ जी ओके ओके, ये इरेज कर दूं, यहां तक हो गया नोट डाउन. पूछना है कुछ, डाउट है? मैंने वो कर दिया ना बच्चे, हाँ आर इज इक्वल टू एच बाई 2 आएगा. एच को इधर लेके रेडियस को हमने हाइट की टर्म्स में लिख लिया क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, यानी कि आर को हमने इलिमिनेट करना है. अब वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 πr² h. तो आर की वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर दोगे, वी इज इक्वल टू 1/3 π आर की जगह एच बाई 2 का स्क्वेयर इंटू एच. इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है 5, फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे. चलिए अब इसका डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू यानी कि हमें टी निकालना है. तो पाई बाय 6 इज अ कांस्टेंट, दिस इज 4. पाई बाय 12 इज अ कांस्टेंट. एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h² इंटू dh अपॉन dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव ले लिया. अब विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हो तो दोनों का जो वेरिएबल था उनका dy की फॉर्म में लिखा जाएगा.
कटिंग कर दो, क्या आ जाएगा, पाई एच स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एच बाई डी टी, और रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है 5, तो यहां से आ गया आपका डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 20 अपॉन पाई एच स्क्वायर। अब एच कितना गिवन है आपको, 4 मीटर, तो एच की भी वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एच 4 एंड गेट योर आंसर। पाई को भी 22 अपॉन 7 पुट कर लो, डी एच बाई डी टी है तो यूनिट जो है वो मीटर पर आर, टाइम आपको आर्स में गिवन है, हाइट आपको मीटर्स में है, तो मीटर पर आर 35 अपॉन 88 मीटर पर आर। नेक्स्ट जो है दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन, किया हुआ है कि नहीं, इस तरह का आपको गिवन है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट व्हिच इज 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस। लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस, अगर हम लेंथ एल मान के चलते हैं तो डी एल अपॉन डी टी हमने निकाला है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, पर्सन की जो हाइट है दैट इज गिवन टू बी 2 मीटर, तो हम क्या करेंगे, दैट ही इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, ये हम लैंप पोस्ट मान लेते हैं, ये पर्सन की हाइट हो गई, तो ये आपके दो, एक ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला, आप सिमिलर ट्राइंगल्स शो कर दोगे, देन सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा के आपका एल और जो एस है डिस्टेंस है उसका आपका रिलेशन आ जाएगा, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई दिस, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 45, find the equation of the normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point 1, 2. normal ki equation nikalni hai, curve aapko given hai x square equal to 4y aur it passes through the point 1, 2. kaise karenge, simple hai, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, पॉइंट हमें गिवन है किस पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या करोगे, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, कर्व हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आएगा डेरिवेटिव, dy by dx क्या आएगा, x square का डेरिवेटिव, 4y का डेरिवेटिव, तो dy upon dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x by 2। अब ये आपकी स्लोप आई है किसकी, टेंजेंट की, हमें स्लोप किसकी निकालनी है, नॉर्मल की, उसने क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, यानी कि जो ये है आपका ये पॉइंट 1, 2 से पास करता है, तो हमने क्या करना है, हम मान लेंगे कि जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हमारे पास x बाय 2 आई है, तो ये पास कर रहा है किसी पॉइंट h कॉमा k से, तो इसकी स्लोप हो जाएगी h अपॉन 2, हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो दैट विल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -2 अपॉन एच। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, आपको गिवन है कि ये पॉइंट एच कॉमा के से पास कर रहे हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी क्या आ जाएगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स
एक्स माइनस एक्स वन. अब ये आपको गिवन है दैट दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2. ये 1, 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो 1, 2 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा. नॉर्मल पासिस थ्रू 1, 2. सो ये आ जाएगा आपका 2 - k इज इक्वल टू -2/h इंटू 1 - h. अब इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन बताओ क्या आएगी, कैंसिलेशन करके जो भी कैंसिलेशन हैं, इक्वेशन बताइए क्या आएगी. दिस इज एच, एच को मैंने के की टर्म्स में लिख लिया. अब एक्स एच कॉमा के इस पे भी लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2k. इसको ले लो इक्वेशन नंबर स्टार. अब वन और स्टार को सिंप्लीफाई करके एच और के की वैल्यूज बताइए क्या आएंगी. सिंप्लीफाई दीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के. एच इज इक्वल टू 2 / k उधर पुट कर दो उसमें. अब यहां पे क्या गलती है बताइए. क्या मिस्टेक की है मैंने. एक गलती की है मैंने. क्या मिस्टेक है. इक्वेशन स्टार मैंने गलत लिखी है, कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ खोए हुए हो. एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ एच और के पुट किया है, ये 4 का आपका 4 ही आएगा. दिस विल बी 4k. यहाँ पे दिस इज 4k. ये 4 और 4 कैंसल आउट होके के क्यूब आपका 1 आ गया. तो k कितना आएगा आपका 1. k 1 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो. एच आ गया आपका 2. अब एच इज इक्वल टू 2 है, के इज इक्वल टू 1 है, तो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय पुटिंग एच इज इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. ले लो इसको ए. सो पुट एच इज इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू 1 इन ए. So you will get the required equation of the normal. डन. चले आगे. एग्जाम्पल 46 में आपको क्या गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y. पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे. cos ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा. क्या आएगा cos ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव. कॉस का डेरिवेटिव क्या होते हैं. माइनस साइन. आगे एक्स प्लस वाई आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव फिर से लोगे. देन dy बाई dx वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ करोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर. y हमें गिवन है कॉस ऑफ x प्लस वाई. dy बाई dx आ गया माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू ये फर्दर डिफरेंशिएबल है.
एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये वन से मल्टीप्लाई हो गया, देन माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले लो, ये एज इट इज, माइनस साइन वाली टर्म में इधर ले आई और इधर क्या रह गया, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, वो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये डेरिवेटिव आ गया, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व हमने निकालनी है दैट आर पैरेलल टू द लाइन। अब ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, अब ये टेंजेंट जो है दिस इज गिवन पैरेलल टू x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, तो x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो की जो स्लोप है वो क्या आएगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y। तो अब क्योंकि दोनों पैरेलल गिवन है तो माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई को आप माइनस वन बाई टू के इक्वेट कर दोगे, देन सिंप्लीफाई करके वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। वन को रिप्लेस करोगे साइन पाई बाई टू से, देन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई वाला फॉर्मूला लगा लोगे, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इनटू वाई, एंड देन यू विल सिंपलीफाई। ठीक है, सो दिस यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ। इंटरवल ध्यान देना, माइनस टू पाई से टू पाई आपको गिवन है, तो अकॉर्डिंगली यू आर टू चेक। नाउ एग्जाम्पल नंबर 47, this is again an important example. इसके factors बनाओ, चलो factors बताओ मुझे क्या क्या बनेंगे। This is 3/10 x to the power 4, पहले derivative लो and then put derivative equal to 0 to find out the critical points. ये हो गया, ही erase कर दूं। Without looking into the book, do the solution yourself. Find the intervals in which the function given by three by ten x to the power four minus four by five x cubed minus three x square plus plus 36 by five x plus 11. चलो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव बताओ पहले तो। आगे सिक्स अपॉन फाइव कॉमन ले लें हर एक में से, सिक्स बाई फाइव यहां से कॉमन लिया तो क्या रह गया, टू बाई टू एक्स क्यूब रह गया, यहां क्या रह गया टू एक्स स्क्वायर, यहां सिक्स बाहर लिया वन बाई फाइव, ऑलरेडी अपॉन में फाइव मैंने बाहर लिया फाइव एक्स, और इधर से ठीक है। अब क्या यूज करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या आएगी। x इज इक्वल टू वन पे जीरो बन रहा है फंक्शन, ये वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू वन पे जीरो बन रही है, चेक करो x को वन पुट करो जीरो आ रहा है। जब आपने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया ये उधर जाके जीरो हो गया, वी आर लेफ्ट विद दिस।
इसमें भी एट एक्स इज इक्वल टू वन दिस इज जीरो, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास एक्स इज इक्वल टू वन, बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते होते थे निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करके, और जो क्वाड्रेटिक आएगी फिर उसके फैक्टर्स बना लो, करो जल्दी से। ये डिवाइड करके आ रहे हैं, चेक करो। पॉइंट्स चेक करो जल्दी से, यहां माइनस एक्स है। अब इंटरवल्स इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमने निकाला, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इनको। ये समझ आया कैसे आया इसको? हमने क्या निकाला, एट निकाल लिया एक्स इक्वल टू वन पे, ये जीरो है, यानी कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड कर दिया। यानी कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो ये लिख दिया मैंने इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिट की, इसके फैक्टर्स बन गए माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, फिर इसको फर्दर आपने फैक्टराइज किया तो ये आ गया। टेंथ में किया होगा ये मेथड, आपको याद आ गया, ठीक है। चले अब यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू वन माइनस टू और थ्री, तो अब आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है एंड देन यू विल चेक अकॉर्डिंगली कि कौन से इंटरवल में वो आपका इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग है। हमें यहाँ कोई इंटरवल गिवन नहीं है, ठीक है, तो माइनस टू देन वन एंड देन थ्री, गॉट इट, क्लियर। अब इंटरवल्स कैसे लेने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, कहां इंक्रीज कर रही है और कहां डिक्रीज कर रही है। माइनस इंफिनिटी से माइनस टू डिक्रीज कर रही है, वन से थ्री डिक्रीज कर रही है, माइनस टू टू वन एंड थ्री टू इंफिनिटी यूनियन में इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर। सो ये यूनियन में लिख लेना। सो एज द टाइम इज ओवर, सो वी विल डू अप टू दिस पॉइंट ओनली, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट।